नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर वन मंडल से जुड़े महू, मानपुर, चोरल व इंदौर रेंज के जंगल जो कि आबादी क्षेत्र में से भी जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों में इन दिनों शेर तेंदुआ की मूवमेंट से आम ग्रामीण लोगों में दहशत का वातावरण बना हुआ है। इंदौर वन मंडल अधिकारी महेंद्र सिंह सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि महू रेंज के अंतर्गत आने वाले बड़गौंडा, पातालपानी, मालदी और महू के आसपास जितनी भी आबादी है जो जंगलों से जुड़ी हुई है, उन आबादी क्षेत्र में इन दिनों शेर तेंदुओं का जबरदस्त मूवमेंट के चलते आम ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ ही दो दिनों में जो दो जानवरों का शिकार भी शेर तेंदुए के द्वारा किया गया है। वन विभाग के द्वारा कैमरे लगाए गए हैं। ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि वो अकेले में घर से बाहर ना निकलें, झुंड के साथ निकलें, रात के समय घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि रात के समय से चीतों का तेंदुए का मूवमेंट अधिक देखा जा रहा है। गत वर्ष एक बुजुर्ग के तेंदुए के दौरान शिकार करने से मौत भी हो गई थी। उसी के मद्देनज़र ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं। उन्हें शेर और तेंदुओं का भय सता रहा है। गत एक साल में 150 से अधिक जानवरों का शिकार शेर तेंदुए के द्वारा किया गया है। वन विभाग अपने नियम कानून के अनुसार जिन भी जानवरों का शिकार हुआ है उनके मालिकों को मुआवजे के रूप में पैसे भी देते हैं। शेर चीते आबादी क्षेत्र में क्यों आते हैं? क्या जंगलों में उनके लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था ना होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में जहां ग्रामीणों का मवेशी मौजूद रहते हैं उनका शिकार करने के उद्देश्य से आबादी बस्तियों में प्रायः से तेंदुआ को देखा गया है? आम जनता से अपील है कि वो सतर्क रहें, रात के समय घर से ना निकलें, अकेले में ना घूमें, जंगलों में बगैर अनुमति के ना जाएं। टाइगर और जो है तेंदुए की मूवमेंट दिखाई दे रही है जिसमें ग्रामीण में भी दहशत और दो जानवरों का भी शिकार किया गया है, क्या जानकारी? ये सत्य है, अभी कल को एक भैंस और एक उसके बच्चे का शिकार हुआ है। अभी ये स्पष्ट आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि तेंदुआ है कि टाइगर है। अभी उसके पगमार्क और वहाँ से हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, पगमार्क से मिलान करेंगे, क्योंकि उसके पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तेंदुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तो जब तक हम पगमार्क को आइडेंटिफाई नहीं कर लें कि वास्तव में वो टाइगर है, तब तक हम उसका खुलासा नहीं कर सकते। लेकिन हमारा स्टाफ लगा है। रहा सवाल जो दहशत का आप बता रहे हो, दहशत के संबंध में हमने पूरे वहाँ आसपास डोंडी पिटवा दी, लोगों को अलर्ट कर दिया कि रात में वो अपना अकेले न निकले और सामूहिक रूप से निकले। ऐसी स्थिति बनती है तो वन विभाग को तत्काल सूचना दे ताकि वहाँ जाके उसको लोगों को अलर्ट किया जा सके। तो अभी ऐसी अप्रिय स्थिति तो नहीं बन रही है, तो हम लोगों ने उसको ट्रेस करने के लिए कैमरा ट्रैप भी लगाए हैं। तो देखो, अगर कैमरा ट्रैप में अगर स्पष्ट हो जाता है तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे उसमें। सर, ये इंसानी बस्तियों में क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है जंगल छोड़कर? इंसानी बस्तियों में नहीं, लगाई जंगल है जहाँ जिसकी आप बात करो उसके आसपास पूरा जंगल लगा है, ऐसा इंसानी बस्ती तो नहीं है। लेकिन अब अपन इंसान आदमी वहाँ पहुँच गए हैं, बट वहाँ लगा है जंगल, मलेंडी वाला भी, बड़गोंदा वाला भी, आप अगर देखे हैं तो जंगल तो है, लगा है जंगल। तो कहीं सर ऐसा तो नहीं कि जंगलों में इनके खाने की उतनी व्यवस्था नहीं होने के कारण ये बस्तियों के नहीं? ऐसा ऐसा तो नहीं है, जंगलों में है, उनके लिए व्यवस्था है। लेकिन आसानी से जो शिकार हो जाता है तो आदमी उस ओर ही आता है, वन्य प्राणी उसी ओर ही आता है। सर, जंगली जानवर इस तरह के जो शिकार करते हैं तो जिनके जानवर होते हैं क्या उनको मुआवजा वगैरह भी दिया जाता है? देते हैं मुआवजा बराकायदा, उसमें जितने की उसकी भैंस है, हमारे नियम कानून है उसमें कितने कितने मुआवजा देना है, तो पूरा उनको देते हैं। और काफ़ी मात्रा में महू मानपुर में हमने मुआवजा दिया है। सर, अगर एक साल की बात करें तो ऐसी कितनी घटनाएं घटी होंगी और कितना? एक साल में करीब करीब 150 प्रकरण हुए हैं चारों हमारे वन मंडल में, अलग अलग महू, मानपुर और चोरल रेंज में ये हुए हैं अलग अलग, जिनको मुआवजा दिया गया है।
सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने कैमरे भी लगाए हैं, उनको ट्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ट्रेस अगर होता है तो उस पर विभाग क्या करेगा? नहीं, वो हम उसको अब देखेंगे, नहीं तो फिर रेस्क्यू करवाएंगे। अगर कोई अगर डेंजर्ड स्थिति, मतलब स्थिति विपरीत स्थिति निर्मित होती है, तो अब फिर अपन उसको रेस्क्यू करवाएंगे। अब हमारे माध्यम से वहाँ की जनता कुछ कहना? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि वो रात के समय कम से कम निकले और सामूहिक रूप से निकले, हाथ में लाठी वाठी लेके चले, ताकि कोई आए तो ठोक बजा के उसको भगा दे। आपका नाम बताओ? महेंद्र सिंह सोलंकी, वनमंडल अधिकारी, इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।